Hey guys, welcome back to another new vlog and good morning from Bengaluru. तो guys, आज हम जा रहे हैं कैलाशगिरी हिल जो कि बेंगलोर से है 60 किलोमीटर. जी हाँ, हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं अभी. तो हम चलिए अभी आपको मिलाते हैं सभी से. हम रास्ते में रुके हैं कहीं पे नाश्ता करने के लिए और अभी समय हुआ है लगभग 8:30-9:30. दोस्तों, व्यू यहाँ का कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है. पत्थर के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं. ये एक छोटा सा पहाड़ी है और इसके बगल में बहुत बड़ा पहाड़ है. ये अभी हम लगभग हैं 5 किलोमीटर दूर कैलाशगिरी हिल से एंड यहाँ पे रुक के हम कर रहे हैं नाश्ता. तो नाश्ता हमारा स्टार्ट हो चुका है, बच्चे वगैरह इधर बैठे हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें अभी तक. ये देखिए राजा, इधर नाश्ता चल रहा है. ये रहा यहाँ पे मेन रोड जो कि जस्ट 5 किलोमीटर अवे है हम यहाँ से. दोस्तों, नाश्ता करके हम यहाँ से निकलेंगे, फिर आपको हम मिलेंगे आगे सीधा. पूरी डिटेल हम आपको समझाएँगे कैसे कहाँ क्या जाना है. तो गाइज, मन्नू एंड दक्ष नहीं तो गाइज मन्नू एंड क्यारा यहाँ पे बैठे हैं. इनकी फरमाइश ये है कि हमारी भी वीडियो बनाइए. हाँ भाई, चाय पियेंगे हम. लो तो भाई, बच्चे वगैरह तो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी खुला मैदान मिल गया है इनको और भागते फिर रहे हैं इधर उधर. ये देखिए, कुछ रिसर्च कर रहे हैं मिट्टी पे, कुछ डलिया वलिया उठा रहे हैं मिट्टी की. तो चलिए बच्चे तो खेलते रहेंगे, हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैलाशगिरी पर्वत एंड बच्चे वगैरह हम सब अभी फ़ोटो वोटो खिंचाए हैं. तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. तो ये बेंगलोर जिस जगह से हम आए हैं वहां से है 60 किलोमीटर एंड यहां पे पार्किंग की फैसिलिटी है. तो यहां तक जो है आप कार में आ सकते हैं, बाइक वगैरह और वैन सब आ सकती है क्योंकि रास्ता काफ़ी बड़ा है और ये यहाँ का परमिसिस है जहाँ पर हमें पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से. और आई डोंट नो कि यहाँ पे टिकट भी लेना पड़ता है, बट काउंटर टाइप से कुछ लग तो रहा है जो कि बंद है फ़िलहाल, तो शायद टिकट हमको ना लेना पड़े. भाई लगभग 90-95% जो है यहाँ कन्नड़ में ही लिखी हुई है सारी बातें. कहीं कहीं पे थोड़ी सी इंग्लिश है, जैसे नोट टू पार्क इन फ्रंट ऑफ गेट, और ये सब कन्नड़ वगैरह में लिखा हुआ है. रास्ता ही सामने जा रहा है. तो गाइस, ये टिकट काउंटर वगैरह कुछ नहीं है, एक टेम्पल है आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी भी है लेडीज़ एंड जेंट्स, 5 रुपये इसका किराया है. तो गाइज, अभी हम करेंगे यहाँ से ट्रैकिंग शुरू. उससे पहले मैं एक दो बात आपको बताना चाहूँगा. अभी मैंने यहाँ आने से पहले जो है एक ब्लॉग देखा था, तो उस भाई से मैंने पूछा कि भाई डायरेक्ट कार ऊपर जा सकती है क्या. तो उस भाई ने बोला हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. मे बी वो समझ नहीं पाया होगा मेरी बात, बट मैंने उसको बोला था डायरेक्ट कि भाई मंदिर तक जाएगी या नहीं. तो उसने बोला था हाँ जा सकती है, बट ऐसा नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमको कार में लास्ट आना पड़ेगा, उसके बाद ट्रैकिंग है ऊपर की. जो मैंने अभी रास्ता दिखाया था ये मंदिर से सामने इधर, तो अभी आपको मतलब पूरी जानकारी मैं दे दूँगा कितना टाइम लग रहा है और लगभग कितना ऊपर है ये, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे एक दुकान भी अवेलेबल है जो कि फ़िलहाल बंद है. यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन, बिस्किट वगैरह मिलते हैं एंड इसी के साइड में है जूते चप्पल निकालने का. बहुत से लोग चप्पल जूते निकाल के खाली पैर जाते हैं और बहुत से जो है चप्पल के साथ ही जाते हैं, तो हम भी चप्पलों के साथ ही जा रहे हैं. तो भाई अभी भी पता चला है कि 300 मीटर की चढ़ाई है, तो लगभग 10 से 15 मिनट में हम सब पहुंच जाएंगे क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं, तो हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा. रास्ता ऐसा उबड़ खाबड़ है और ये सब देखिए पीछे आ रहे हैं, मंकी वगैरह सब मिलेंगे यहाँ पर. तो गाइज, अगर आपको पत्थरों पर चलने की आदत है तो आप बिना चप्पल के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको आदत नहीं है पत्थरों पर चलने की, ये जैसे रास्ता ये है, तो आप चप्पल जूते वगैरह पहन के सीधा ऊपर जा सकते हैं. तो गाइस, ट्रैकिंग हमारी शुरू हो चुकी है. रास्ता इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, आप देख ही सकते हैं पत्थर ही पत्थर हैं, ऊंचा नीचा रास्ता है, बट स्टिल थोड़ी दूरी है ना. थोड़ी दूर बोले तो बस यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे, और ये रहा यहाँ सामने. फैमिली हमारी आगे जा रही है धीरे धीरे और मंकी राजा कहीं आसपास घूम रहे हैं. दक्की मुझको बुला रहा है एंड काफ़ी अच्छा एरिया है, शांत है बिल्कुल. इसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है,
अब से 20 साल पहले जो है इसके अंदर पहाड़ को काट के गुफाई बनाई गई थी, जिसमें गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और माँ पार्वती का मंदिर है। तो भाई मालवी कैसे पूछते हैं इस रास्ते के बारे में? हाँ जी, बोल सकते हो या अभी नहीं? बोल सकते हैं, बहुत बेकार है। चलो, हाँ जैसे मैं बोल रहा था ना, रास्ता बेकार है, उबड़ खाबड़ है, आप देख पा रहे हैं पत्थर हैं और चढ़ाई भी है, तो हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं इसको। बातें करते करते फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी नीचे 300-350 मीटर नीचे गाड़ी खड़ी करके ऊपर पैदल का रास्ता है, काफ़ी हाइट है, तो अब यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा अगर क्लियर हुआ मौसम और सनलाइट सामने से नहीं आई। और मन्नू ये दिखाना चाह रही है, तो हम फाइनली पहुँच ही गए हैं। तो वेंटिलेशन एरिया है यहाँ पे। हाँ जी, ओके, बच्चों ने नोट किया कि दो बंदर वहाँ पे बैठ के लड़ रहे हैं, पता नहीं आपको दिखेंगे नहीं। तो भक्तजन जो है आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारे से पहले सिर्फ दो लड़के बैठे हुए थे यहाँ पे, फिर हम आए, उसके बाद और दो चार आ गए, और मैं नीचे देख रहा हूँ नीचे से भी आ रहे हैं। तो मंदिर का समय जो है खुलने का है 10:30, और अभी कितना समय हुआ है भाई रवि, कुछ देखा? 10:10 हो चुके हैं, तो अभी भी 20-25 मिनट पड़ी हुई है। तो इस बीच हम इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन उसके बाद हम पीछे मंदिर आपको दिख रहा है दर्शन करेंगे, निकल जाएंगे। दोस्त लोगों, अभी तक पंडित जी नहीं आए हैं, 10:30 हो चुके हैं, 10:32, बट अभी भी हम सभी वेट कर रहे हैं। लगभग 20-25 भक्तजन जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, एंड एक छोटा सा फॉरेस्ट है मेरे पीछे। यहाँ पे बस मैं आया था ऐसे ही वीडियो बनाने, पीछे कुछ ऐसा है और घर वाले फैमिली वाले उधर बैठे हैं पीछे। बस देख ही सकते हैं कितनी चरम सीमा पर है, धूप अच्छी खासी हो चुकी है, गर्मी इतनी नहीं लग रही है जितनी लगनी चाहिए, क्योंकि हवा चल रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों, हम अभी तक वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये जो मंदिर है इसके सामने कुछ खुला इतना है, और ये थोड़ी सी बैठने की जगह है धूप वगैरह बारिश में, बारिश का तो इतना पक्का इंतजाम नहीं है, बट धूप से बच सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं सब फैमिली मेम्बर्स यहीं पे बैठे हैं, और मंकी से हमें यहाँ बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, मंकी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि अगर कुछ खाएं पिएंगे तो वो एकदम से आ जा रहे हैं। अभी हमारे साथ ऐसे हुआ, तो अभी सब ठीक है, बस वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाथ में जो है निराशा लग रही है धीरे धीरे, कोई भी आस नहीं है कि कब पंडित जी आएंगे नहीं आएंगे। 10:30 का टाइम था, 10:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। तो भाई पंडित जी आ चुके हैं, अब जाके मंदिर खुलेगा। तो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ, एक घंटा से ज़्यादा हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 9:30 बजे आ गए थे हम यहाँ पे, एंड 11 बजे अभी पंडित जी आए हैं, वो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये पंडित जी रहे, इन्होंने द्वार खोल दिए हैं, तो अभी इधर से एंट्री होगी। एंड आपकी मर्ज़ी है, चप्पल आप यहाँ भी निकाल सकते हैं इस वाली छाए में, और वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लोग वक्त तो चप्पल पहन के जा रहे हैं। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम सीधा अंदर। वही अब हम अंदर जा रहे हैं। तो दक्की को जो है डर लग रहा है अंदर जाते हुए। लो भाई, फाइनली हम जो है एंटर हो चुके हैं। ओहो, बहुत ठंड है अंदर, तो भाई फर्श भी ठंडा ठंडा है, मज़ा आ गया। अरे वाह, गजब गजब जी गजब। और दक्की को जो है डर लग रहा है, आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, इको आ रही होगी आई गैस, बट यही यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, ये गुफा बना रखी है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा है, शांत प्लेस तो नहीं कहेंगे क्योंकि इको हो रही है बहुत ज़्यादा, बट ठंडा बहुत है अंदर, क्योंकि पूरा पहाड़ के अंदर है ना, और कोई धूप वूप का सीन नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, चलिए अब सामने चलते हैं, आवाज़ मैंने चेक कर ली है, काफ़ी हद तक ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइट जलाने की कोशिश कर रहे थे कुछ युवक, ये देखे बोर्ड है यहाँ पे, लाइट वगैरह भी शायद नहीं है। तो भाई, मेंटेन साइलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग कैमरा मोबाइल इज प्रोहिबिटेड,
बट किसी ने रोका नहीं भाई, इसलिए हम अभी तक बना रहे हैं वीडियो। अगर कोई रोक देगा तो हम स्टॉप कर देंगे। तो अभी मंदिर वगैरह खुल रहे हैं अंदर, अभी उसके बाद हम उधर जाएंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे जो है घूम फिर रहे हैं और बच्चे जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दक्की भी मज़े ले रहा है, हम भी मज़े ले रहे हैं, बच्चे सब मज़े ले रहे हैं। देखो कैसे घूम फिर रहे हैं। और काफ़ी बड़ी जगह है बैठने की, बहुत बड़ा हॉल बना रखा है, तो काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ है एंड ठंडा ठंडा कूल। चलो गाइस अभी हम मिलते हैं आपको जब हम उधर सीधे जाएंगे। अच्छा दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं। तो पहला मंदिर है गणेश जी का, फिर है शिव जी का, फिर है माता पार्वती का। तो वहाँ से एंट्री होती है और तीनों मंदिर में घूम के ऐसे बाहर आ जाते हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं पूरी तरह वीडियो बना नहीं सका। तो जो मैंने बोला था कि भाई प्रोहिबिटेड है, बट किसी ने मना नहीं किया तो मना किया, तो हमने उसके बाद यूज नहीं किया। तो भाई नियम वगैरह का पालन करना चाहिए जहाँ भी जाएं। बाकी अभी हम यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, कुछ और प्लान है, वो हम सब आपको डिस्कस करते हैं रास्ते में। बाय बाय कैलाशगिरी पर्वत, फिर मिलेंगे कभी भविष्य में। तो हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, अभी बस नीचे पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा रास्ता ही रह गया, उसके बाद हम देखते हैं क्या प्लानिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि 15 से 20 मिनट का ही है मंदिर में अंदर घूमने का, गुफा में बाकी इतना कुछ नहीं है। तो आप आ सकते हैं अपने फैमिली साथ, बच्चों साथ, जैसे हम आए हैं। तो भाई इसके सींग में जो है उसकी रस्सी फंस गई गले की, और अब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। कोशिश करी मैंने छुटाने की बोल बाल के, बट इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले हैं ये। ये देखो कहाँ पहुँच गए लड़ते लड़ते। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, जिस दुकान की मैं बात कर रहा था ना वो अभी आके खुल चुकी है। मे भी लेट खुलती होगी 11 बजे जब मंदिर में पंडित जी आते होंगे। तो फिलहाल अभी हम नीचे आ ही चुके हैं एंड सभी फैमिली मेम्बर पहुँच चुके हैं वहाँ कार के पास। मैं पीछे अभी बुल की फाइट देखने लग गया था, आपने भी देखा ही होगा। एंड लगता है अभी हम सीधे घर ही जाएंगे, और तो कहीं मुश्किल है जाना। बाकी कुछ हुआ तो अपडेट दे देंगे, नहीं तो फिर बाय बाय। तो दोस्तों कैलाशगिरी पर्वत से हम आ चुके हैं एंड फिलहाल हम आए हैं एक नियर बाय, आप कह सकते हैं पार्क है, जू, जिसमें काफ़ी खरगोश वगैरह बच्चों का आइटम है सारे। तो हमने सोचा कि चलो भाई इधर आए हुए हैं तो बच्चों को भी घुमा दें। तो फिलहाल वो सब मज़ा ले रहे हैं, खरगोश वगैरह को उन्होंने बहुत घास खिलाया। तो इसी ब्लॉग को बस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल हम यहीं पर आपको करते हैं बाय बाय, मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।